हमारे साथ जनाब अमीर हसन साहब हैं जो प्रतापगढ़ से आए हुए हैं, हमारे साथ उमरा पे आए हुए थे बाबुल हुसैन टू एंटर लखनऊ के साथ। उनसे फीडबैक लेना चाहेंगे कि उनका जो आए यहाँ पर, तो उनकी ज्यारतें, खाना पीना, रहना, उन्होंने कैसा महसूस किया बाबुल हुसैन टूर के साथ? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं तो हमेशा बाहर जाता रहा हूँ, कभी ईरान भी गया हूँ, इराक भी गया हूँ, सीरिया नहीं जा पाया हूँ, लेकिन जिस टूर से गए तो मतलब उस टूर में उतनी फैसिलिटीज नहीं मिली जिस जो फैसिलिटी इसमें मिली। जो एक इंसान को टूर में फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, मतलब जैसे उनके खाने का इंतज़ाम, उनके रहने की सही तरह से, और सबसे बड़ी बात चीज़ है ज़ायरीन का केयर करना। खाना नाश्ता तो चलता रहता है, सबसे बड़ी बात होती है केयर करना, तो वो यहाँ पर केयर किया गया और आदमी बहुत ही ख्याल करते रहे हैं। और हर पहले ज़ायरीन को खाना और नाश्ता कराने के बाद सुनो, दूसरे ज़ायरीन से हम कहेंगे जब भी अगर उनको जाना हो तो या तो हमसे संपर्क करें, मैं ये बाबुल हवाई टूर ही से जाएंगे इससे, और किसी से नहीं। हम बल्कि हम और भी वो लोगों को गाइडलाइन देंगे, लोगों को समझाएंगे, बताएंगे भाई अपना ग्रुप जाया करता है जाएगा और यही काम करेंगे भाई। इससे अच्छा टूर ही नहीं है, मतलब नहीं, हर चीज का केयर किया गया। सबसे बड़ी चीज है ज़ायरीन के साथ उनका केयर करना कि कहाँ जा रहे हैं, कैसे है, ख्याल करना कि हमारे आदमी हैं। वो तो अननोन होते हैं जहाँ जाते हैं, नोन तो जो ले जाते हैं मौलाना लोग वही होते हैं, मगर वो ऐसा इंसान मतलब जो जा करके करना। अब हमको खाने काबा ले गए, खाने काबा तक उनको मस्त कराया, चुमाया, कराया, जबकि खाने काबा में कितनी भीड़ होती है पब्लिक सभी जानते हैं, वहाँ पहुँचना ही दूभर होता है, तो वहीं से करने का।